पहल सामने आई। टेम्पो चालकों के साथ खुले विचारों के साथ संवाद करते हुए नजर आए। अपराध पर अंकुश लगाने के लेकर चालकों से सहयोग मांगा है। टेम्पो चालक मित्रों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर टेम्पो चालक मित्रों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। फतेहाबाद में जिस तरीके से हमारी बहन ने PCS की परीक्षा उत्तीर्ण की है, निश्चित रूप से हम गांव गरीब लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है। और जो भी हमारी युवा पीढ़ी है उसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मेरा मानना है जितने भी IAS PCS कभी किसी राजा रजवाड़ों के महलों से पैदा नहीं हुए, जब भी हुए हैं वो गांव गरीब झोपड़ी से पैदा हुए हैं। और मतलब अपने परिवार को, पूरे परिवार को देना चाहूंगी सबको। इस सफलता के लिए आपने कितने घंटे पढ़ाई की? क्या मैंने रोजाना 6 घंटे पढ़ाई की थी, और जब एग्जाम नजदीक होते थे लगभग 1-2 महीने पहले तो 8 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाई करती। इसको लेके प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे मतलब टीचर्स ने बताया था, और घर से भी, मतलब कि मतलब जब इतनी पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ मतलब करना चाहिए। और ये भी था कि वुमेन एजुकेशन के लिए कुछ करने के लिए, तो एक मैजिस्ट्रियल पोस्ट के लिए मतलब मैं अभी भी प्रयास अपना जारी रखूँगी। लग रहा है परिवार को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तो इसकी तारीफ ये करूँगा कि इसने बगैर कोचिंग के अपनी सही मेहनत से हाई स्कूल फर्स्ट में ये इंटर फिजिक सब सबसे ही पेपर आ रही है, मतलब फोटो आ रहे हैं। उम्मीद थी इस बच्ची की, बहुत बड़ी उम्मीद थी हमें, वो शाहकार हो गई।